अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप आ चुके हैं मेरे चैनल में जायका नाज, जिसमें आप देखने वाले सोयाबीन चिल्ली की रेसिपी। देखिए, हमें 1.5 किलो सोयाबीन लेना है, जिसे हम भीगने डालने वाले हैं। देखिए, एक बाउल में डाल लेंगे सोयाबीन, उसमें हम थोड़ा सी पानी डालेंगे, जितना वो भीग जाए, अंदर डूब जाए उसके अंदर, उतना पानी डालेंगे। हाँ, उसके बाद में उसको भीगने रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए भीगने रख देंगे। उसको एक साइड में रख देंगे भीगने के लिए। अभी हम दूसरा चीज़ तैयार करते हैं, ठीक है। अभी हम बैटर तैयार करेंगे सोयाबीन को तलने के लिए। उसमें डालेंगे एक कटोरी मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का, 2 टेबलस्पून, और नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, आपको जितना नमक लगता है उतना डालिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें थोड़ा सा अभी पानी डालेंगे मिक्स करने के लिए, और हमें इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, लम्स नहीं रहना चाहिए ज़रा भी, इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। अभी मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए कैसा मिक्स करते हैं ना, अच्छे से स्पून, आपको स्पून से जमता है स्पून से करिए, या तो फिर आपको जीसी से भी जमता है उससे करिए, ठीक है। मैं स्पून से कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसका बैटर बना के साइड में रख लेंगे, और फिर हम दूसरा तैयार करेंगे, दूसरा चीज़ को तैयार करेंगे, ठीक है ना। देखिए मेरा बैटर रेडी है। अब मैंने ली हूँ 1 कैप्सिकम, 1 लहसुन, 1 लहसुन की कलियाँ 15 से 20। देखिए मैंने ले ली हूँ इसे बारीक चॉप करके, और ये ऑनियन है, ये कैप्सिकम है, ऐसे मोटे मोटे पीसेस में इसे कट कर लेना है, ठीक है। देखिए मैंने इसको भिगा के रखा था, इसको लेके देखो कितना सॉफ्ट लग रहा है, ये ऐसे सॉफ्ट भिगना चाहिए, इसके अंदर पूरा पानी भर जाएगा। उसको हम अच्छे से निचोड़ के ले लेंगे, और जो बैटर हमने रेडी किया है उस बैटर में अच्छे तरीके से निचोड़ के उस बैटर में मिक्स कर लेंगे। देखिए कैसे कर रही हूँ मैं इसको मिक्स कर, अच्छे से मिक्स करके जो तेल हमने गरम करने रखा है उसमें थोड़ा सी तेल डाल देंगे कढ़ाई में, तेल गरम करने के लिए, और इसमें हम इस सोयाबड़ी को तल लेंगे, सोयाबीन को, ठीक है। एक एक करके हमें डालना है स्पून की सहायता से। देखिए ये डाल लेंगे हम, इसे अच्छे से तल लेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक, ठीक है। अभी मैं डाल रही हूँ इसे तलने। देखिए ऐसे तरीके से आपको भी डालना है इसको तलने के लिए। अब ये तल जाएगा, इसके बाद में हम आगे की रेसिपी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इसको तलने के बाद अब मैं मिलती हूँ आपको। देखिए ये हमारा तल चुका है, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम रेडी कर रहे हैं सोया चिल्ली, इसमें थोड़ा सी तेल डालेंगे पैन में, और जो हमने चॉप किया है वो मसाला डाल के उसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसको सॉटे करने के बाद इसमें हम सॉसेस डालेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस, जो भी सॉसेस होते हैं चाइनीज़ के, वो सब सॉस डालेंगे, ठीक है। देखिए मैं डाल रही हूँ चिली सॉस इसके अंदर, 2 चम्मच सोया सॉस भर कर, ठीक है ना। चिली सॉस देखो, 2 चम्मच सोया सॉस, चिली सॉस, फिर उसके बाद में विनीगर थोड़ा सी, ज़्यादा नहीं डालना है विनीगर, नहीं तो खट्टा हो जाएगा, ठीक है ना। विनीगर डाल लिए, उसके बाद में डालेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस। देखो सोया सॉस, यह है सोया सॉस, सोया सॉस भी ले लिया मैंने, उसको भी डाल लिया मिक्स कर। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके उसको थोड़ा पकने देंगे, जब तक इसके ऊपर तेल आ जाता नहीं है। जब तक ऊपर तेल नहीं आएगा इसका मतलब वो पका नहीं है, ठीक है ना। उसको अच्छे से पकने के लिए देंगे हम, अच्छे से सॉटे करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करना है, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से तेल छोड़ने लगे उसके बाद में हमें वेजीज डालना है, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, इसको होने दो अच्छे से रेडी, ठीक है ना। हमारा रेसिपी हो रहा है रेडी। जब तक मैं बोलती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस। देखिए प्लीज़ गाइस, हमारा नया चैनल है, आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर लाऊंगी आपके लिए।
आपको बताऊंगी इजी तरीका। देखो नमक भी डाल देना है थोड़ा सी, स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है इसमें, ठीक है ना। अब हमें डाल देना, अभी मैं आपको अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आऊंगी। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिलने के लिए आप मेरे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखिए मैंने कांदा डाल लिए और ये कैप्सिकम भी डाल ली हूँ। कैप्सिकम इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, उसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना है, ठीक है ना गाइस। थोड़ा क्रिस्पी रहेगा तभी ही अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सी नरम होने लगा, नरम होने से पहले ही इसके अंदर हम सोयाबीन जो हमने फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। देखिए कितना कलर अच्छा दिख रहा है। अभी हम इसके अंदर इसके लिए स्लरी बना के, इसमें डालने के लिए स्लरी बना के उसके रेडी करके रखेंगे। उसके लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ठीक है, मकई का आटा, अरारोट का आटा, उसको मिक्स कर लेंगे पानी डाल के, ठीक है। और कुछ नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सी फूड कलर डालना है, रेड कलर का, रेड फूड कलर, ठीक है गाइस। इसमें जितना हमको चाहिए कलर, डार्क चाहिए डार्क डालिए, लाइट चाहिए लाइट डालिए, आपकी जो पसंद है वो डालिए, ठीक है ना। उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको साइड में रख देंगे। पहले हमको डालना है सोयाबीन कढ़ाई में, उसके बाद में ये स्लरी हम उसमें डालेंगे। देखिए ये सोयाबीन है, हमने तल के रखा है, इसको हम डाल लिए कढ़ाई में और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजिस के साथ। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। और उसके साथ ही साथ हमें स्लरी भी डाल लेना है ताकि वो अच्छे से बाइंड हो जाए एक दूसरे में, ठीक है गाइस। देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट कीजिए, आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से बना के बताऊंगी और अच्छी तरीके से समझाऊंगी। पर गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे छोटे से चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए कलर भी कितना प्यारा आ चुका है। अभी इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे बस 5 मिनट के लिए, ढकना नहीं है, ज़रा भी ढकना नहीं है, इसे खुला ही रख कर पकाना है, क्योंकि चाइनीज़ डिशेस जितनी भी होती है उसे ढका नहीं जाता है, उसे खुला ही रख कर फास्ट आँच पर पकाते हैं। देखिए ये हो गया रेडी। अभी इसमें हम डालेंगे अजीनोमोटो MSG, ठीक है। आपको जितना चाहिए डाल सकते हैं, या तो आपको नहीं चाहिए तो नहीं डालें, आपकी मर्जी है। देखिए हमारा रेसिपी रेडी हो चुका है, मैंने इसको प्लेट में सर्व करी हूँ। देखो कितना टेस्टी लग रहा है, यम्मी लग रहा है। थैंक यू गाइस मेरे चैनल को देखने के लिए।